पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से गूंजा श्रावस्ती। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले ने देश को हिलाकर रख दिया है। इस कायरनामा कृत के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ हर किसी में रोष व्याप्त है। वहीं आज श्रावस्ती जिले के मुख्यालय भिनगा में भी आतंक के खिलाफ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतला जलाया गया। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए अब तक के सबसे बड़े आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 42 जवान शहीद हो गए और 40 से ज्यादा जवान घायल हो गए। इस आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला के रख दिया। सेना पर हुए इस हमले से देश में पाकिस्तान के खिलाफ हर किसी में गुस्सा तो है, तो वहीं श्रावस्ती जिले के मुख्यालय भिनगा में भी आम जनमानस के साथ अधिवक्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आतंकी सरगना जैश ए मोहम्मद व पाकिस्तान का पुतला फूंका। तहसील मुख्यालय पर अधिवक्ताओं के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर विरोध किया गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जैश ए मोहम्मद व पाकिस्तान का पुतला आग के हवाले किया गया। पुतले पर लोगों ने जमकर चप्पल बरसाए तथा पुलवामा में शहीद हुए देश के जवानों को 2 मिनट का मौन धारण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। भारी संख्या में मौजूद सभी लोगों ने पाकिस्तान पर हमला कर सबक सिखाने को केंद्र सरकार से मांग की। सभी ने कहा, हमारे शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ न जाए, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। पुलवामा में पाकिस्तान के द्वारा हमारे 42 जवानों को सीआरपीएफ के जवानों को मारकर शहीद कर दिया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे भारतीय जो मोदी जी हैं उनको ये चाहिए कि अन्य देशों की तर्ज पे पाकिस्तान में घुस के ऐसे लोग जो आतंकवाद को आश्रय देते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद को जो है उसकी डिप्लोमेसी को बढ़ाते हैं, उनको घुस के वहीं पकड़कर और ओसामा बिन लादेन के तर्ज पे मारना चाहिए। संपूर्ण देश को जो है युद्ध में झोंक देने के बजाय हमको अमेरिका की तर्ज पे वहाँ घुस के मारना चाहिए। इसके बाद अगर कोई बोलता है तो हमको युद्ध की स्थिति में जाना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि हमको युद्ध में न जाना पड़े और हमारे दुश्मन भी मर जाएंगे। अभी पाकिस्तान की आतंकवादी सेना की साजिश से हमारे देश के कम 50 जवानों की हत्या कल कर दी गई सीआरपीएफ के। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है जिससे पूरा देश आंदोलित है और बार बार पाकिस्तान ये गिरी हरकत करता है। मेरा तो ये कहीं कहना है भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कि आपको भारत की सेना को पूरी छूट देना चाहिए कि इनके आतंकवादी गतिविधियों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए इनको इनको इनके सीने पर चढ़ करके खांदना चाहिए और इतनी मार मारना चाहिए कि ये दोबारा इनकी हिम्मत न पड़े कि भारत जैसे दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देश पर ये फिर हमला करें। ये बहुत कायराना हमला है और इस कायराना हमला की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारे मॉडल बार एसोसिएशन से हमारे सभी वकीलों ने प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का पुतला फूंका है, भारत सरकार से अपील किया है, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है कि तत्काल सेना को ये छूट दी जानी चाहिए कि टिट फॉर टैट की हैसियत से उनसे निपटा जाए और हत्या का जवाब हत्या है, ये मानेगा नहीं, ये गुंडा है, बदमाश है, आतंकवादी है और आतंकवादी गतिविधियां पाठ पढ़ाने से नहीं मानेंगी, इनको खांदना पड़ेगा, इनका सिर काटना पड़ेगा। हम तो बहुत पहले बोले थे कि 5 का सर काटा है, जब 10 के काट लाओ हमेशा के लिए इसकी हैसियत अपने आप अपने हैसियत में पाकिस्तान आ जाएगा और कभी कायराना हरकत नहीं करेगा। देखिए एक अजहर मसूद बोलता है हमने स्वीकार कर लिया है, एक आदमी बोलता है कि मैंने स्वीकार कर लिया इतनी बड़ी घटना को, अरे चढ़ के खांदना चाहिए, इतना मार देना चाहिए कि कभी सर न उठा सके पाकिस्तान और आतंकवादी भी। भारत की सेना के सामने कोई भी आतंकवादी ताकत निपट नहीं सकती है, बशर्ते कि सेना के सम्मान में उसको आदेश सही जारी किया जाना चाहिए। पार्टी एडवोकेट महामंत्री जिला बार एसोसिएशन श्रावस्ती हमारे संघ की तरफ से कल जो सीआरपीएफ के जवान लगभग 22 जवान पाकिस्तान में आतंकवादी हमले में शहीद करवाए हैं उसके संबंध में हमारे संघ में सूचना प्राप्त हुई। इसके अनुसार मैंने हम लोगों ने सभा में इकट्ठे होकर के सभा किया। हमारे पूरे भारत देश में इस समय विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त जितने भी लोग हैं हमारे सैनिकों को यहां से हमारे सरकार को उनको खुला छूट दे देना चाहिए। वहां जाकर के उन्होंने हमारे 50 सैनिकों को शहीद किए हैं, उनके 50 के बदले 500 सैनिकों के जितने भी खानदान हैं सबको नष्ट नाबूद करके वापस आना चाहिए। इस पे मेरा यही कहना है, मेरा नहीं बल्कि मेरे संघ के लोगों का यही कहना है कि जितने भी लोग हैं जितने भी 500 के जितने भी खानदान सबको नष्ट नाबूद कर देना चाहिए। देश भर की सारी खबर, हर खबर उतरेगी सच्चाई की कसौटी पर, खबर हो राजनीति की या बॉलीवुड की, खेल की या क्राइम की, हर पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए यूपी लाइव 100 न्यूज 24/7 खबर आप तक।